हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि गाइस नोवो को ये जो ब्रिज आप सभी लोगों को मिल जाता है, जो आपका मिलिट्री बेस को जोड़ता है, सो गाइस इस ब्रिज के पास बहुत सारी ट्रिक्स आपकी वर्क करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल ही फ्रेश ट्रिक्स हैं, आप सभी लोगों को मजा आएगा इसको देखने में, तो जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके ऐसी कोई भी ट्रिक वर्क कर रही है। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग, पहली ट्रिक जो वर्क कर रही है उसके लिए आपको एक बग्गी चाहिए। बग्गी के लेने के बाद ये जैसे भी मैं कर रहा हूँ वैसे आप सभी लोगों को कर देना है। अब ये जो थोड़ा सा आपको ट्रैम मिल जाता है ऊपर जाने का, तो गाइस आपको इस पे अपनी बग्गी चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपकी बग्गी पलट जाएगी। अब अगर आपकी बग्गी पलट जाएगी तो आप इसमें गेट इन वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा। गेट इन वाले ऑप्शन पर चले जाओगे तो यहाँ से आप नीचे का देख सकते हो, प्लस गाइस आप नीचे फायरिंग भी कर पाओगे या फिर आप ऊपर भी फायरिंग कर पाओगे। तो गाइस ये वाली ट्रिक बहुत अमेजिंग हो जाती है। अगर नीचे बंदे छुपे हुए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप लोग ऊपर हो, बट गाइस आप ऊपर से ही नीचे मार सकते हो बिना नीचे जाए। तो ये वाली ट्रिक मुझे लगता है गाइस आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्यों गाइस इस ट्रिक में कुछ ऐसा था ही। तो चलो सेकंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सेकेंड ट्रिक में भी गाइज आपको एक बग्गी ले आनी है, और ब्रिज के पास ये जो घर दिख जाता है आप सभी लोगों को, इसके ऊपर एक ट्रिक वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो कैसे मैं बग्गी को ले जा रहा हूँ, और ये जो थोड़ा सा रिज है इस पे से मैंने बग्गी को उछाल दिया। अब उछालने के बाद देख सकते हो हमारी बग्गी यहाँ आ गई, पर हमारी बग्गी गिर रही थी तो हमने एक्सेलरेट वाला बटन दबा दिया, जिससे कि हमारी बग्गी वहीं पर स्टैंड स्टिल हो गई। अब गाइज यहाँ पर आप सभी लोग बग्गी के ऊपर चढ़ के इस छत पर जा सकते हो। अब छत पर जाने के बहुत फायदे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिप चेंज करके आपको बता देता हूँ आपके छत पर कैसे जाना है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मैं बग्गी फिर से लाया और मैंने फिर से लगाई, और यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से थोड़ा सा आगे आया। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आगे आओगे तो आप आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक दो बार जंप लगा देना है, ताकि आपका जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो यहाँ पे ऊपर चढ़ जाए। अब उसके बाद गाइज यहाँ पे आपका कैरेक्टर जब चढ़ जाएगा, अगर आपके पास अच्छा स्कोप होगा, पर गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं तो यहाँ पे बस पिस्टल लाया हूँ, अगर आपके पास अच्छा स्कोप होगा तो यहाँ से भी आप ब्रिज कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपके जहाँ पे स्क्वाड मेंबर्स होंगे अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, मतलब एनिमी से भिड़ रहे हैं, तो आप लोग यहां से उनका सहारा दे सकते हो अगर आपके पास अच्छा स्कोप होगा। जिसके पास भी गाइस अच्छा कुछ माल होगा वो ऐसे कर सकता है। और गाइस बग्गी क्यों नहीं, आप यहां पे डासिया भी लगा सकते हो, डासिया से भी ये वाला हो जाएगा। बट यहां पे मेरे को बग्गी मिला तो गाइस मैंने बग्गी लगाया और आप सभी लोगों को ये वाला ट्रिक दिखाया। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस ट्रिक ऑल्सो। तो यहां पर देख सकते हो अब तीसरे ट्रिक के लिए भी गाइस हम लोग को बग्गी लानी है। हम इसे बग्गी ट्रिक कह देना चाहिए था इस वीडियो का नाम, बट गाइस फिर भी यार बग्गी का बहुत काम है यहां पर, आप सभी लोग को बग्गी आराम से मिल भी जाती है। तो यहां पर सबसे पहले आप सभी लोगों को बग्गी लेके आ जानी है। अब बग्गी का आपको फिर से क्या करना है गाइज, ये जो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ ये अच्छी वाली ब्रिज कैंपिंग के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि गाइज आप सभी लोग अच्छे से मरोगे नहीं। तो यहाँ पे ये जो है हमारी ट्रैक नंबर 3 है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे कार दिख जाती है, मतलब ये जो भी ट्रंक है या टेम्पो कुछ भी आप सभी लोग इसको कह लो, इसमें यहाँ पे आपको बग्गी पीछे पीछे लाते रहनी है। देख सकते हो इसका जो यहाँ पे आगे वाला टायर है, इसके पास हम लोग को यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ आप सभी लोग को बग्गी यहाँ पे घुसेड़ देनी है। तो भाई घुसेड़ के मारोगे इधर बग्गी, तो आपको अब क्या करना है, अपनी सीट को चेंज कर लेना है। सीट चेंज कर लोगे तो गाइज आप सभी लोग इसके अंदर घुस जाओगे। सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में। और यहाँ से अगर आप अपना बैग हटा देते हो तो आप तो यार बिल्कुल ही हाइड हो जाओगे। यहाँ पे मेरा बैग थोड़ा रंग बिरंगा भी था तो मैं थोड़ा दिख रहा था। यहां से आप सभी लोग शूट भी कर पाओगे, जो कि गाइस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कोई आगे से बंदे आ रहे होंगे तो उनको तो यार बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा आपकी पोजीशन के बारे में, बट गाइस पीछे से जो आ रहे होंगे उनमें से गाइस, मतलब यार जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा यार कहीं और से पता होगा उन्हें, यार उनमें थोड़ा दिमाग होगा तो वही आपको यहाँ पे पहचान पाएंगे, वरना गाइस यहाँ पे आप सभी लोग बिल्कुल ही हाइड हो जाओगे। अगर कोई पीछे से आएगा तो ही आपको वो मार पाएगा, और तब तक तो यार आप लोग भाग भी जाओगे। तो चलो ट्रिक नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ट्रिक नंबर 4 भी गाइज यहाँ पे ब्रिज कैंपिंग की होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी लोग को एक बात बता दूं, आपको ब्रिज के इस तरफ में आ जाना है। अब इस तरफ में आने के बाद अपने हथियार को यहाँ पे पीछे रख लेना है, स्प्रिंट लगा के एक बार जंप लगा देनी है। जंप लगाओगे तो गाइज आप सभी लोग यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने का और कोई रास्ता नहीं था गाइज, ऊपर से आते हो तो आप सभी लोग के बहुत चांसेस होते हैं कि आप गिर जाओ और आपका काम खराब हो जाए, तो मैंने आप सभी लोग को यहाँ से आने का ऑप्शन बता दिया। तो अब यहाँ से आओगे तो यार यहाँ पे आप सभी लोग लेट भी पाओगे, और कोई बंदा अगर आ रहा होगा या गाड़ी से आ रहे होंगे या पैदल आ रहे होंगे, उनको पता नहीं चलने वाला कि आप लोग यहाँ पे हो, और आप लोग यहाँ से सीधा खड़े होकर उनको पेल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक था आप सभी लोग को, मुझे लगता है यार ये वाला ट्रिक भी पसंद आएगा, बिकॉज गाइज ये वाला ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल
आप सभी लोग के किसी एक सिचुएशन में हो सकता है। यहाँ से गाइज अगर कुछ भी आप सभी लोग को मारना है तो उनको मार सकते हो बिना यार अपनी पोजीशन को दिखाए। तो यहाँ से गाइज आप सभी लोग आराम से छुप पाओगे और गिरने का भी यहाँ पर डर थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पर सांप की तरह लेट के कुछ भी यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइज ये वाला ट्रिक भी यार बहुत अच्छा था, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूरी देना इस वीडियो में। तो गाइस ट्रिक नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम लोग किसी भी कोने पे आ जाओ ब्रिज के, एक बार जंप लगाओ। जंप लगाने के बाद ये जो आयरन के पिलर्स होते हैं इनमें आप चढ़ जाओगे। अब चढ़ने के बाद यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। अगर कोई बंदा आगे से आ रहा होगा तो वो आपको नहीं देख पाएगा, बट गाइस पीछे वाले बंदे आप सभी लोग को देख लेंगे, ये तो पक्का है कि पीछे वाले देख लेंगे। और गाइस ये वाली ट्रिक बहुत पुरानी है, बट गाइस मैंने नहीं देखा किसी को ये वाले ट्रिक का फायदा उठाते हुए, पर गाइस मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ कि इस वाले ट्रिक का फायदा उठाओ यार, इसको वायरल कर दो इस ट्रिक को, बिकॉज गाइस ये वाले ट्रिक भी बहुत ज़्यादा ही काम की है। सो ये आप सब लोग किसी भी तरीके से मतलब यार किसी भी तरफ से कर सकते हैं, ब्रिज के हर जगह से कर सकते हैं, चाहे वो कोना हो या यहाँ पे बीच में हो ब्रिज के, कहीं भी आप ये वाले ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। या फिर इस तरफ भी मैंने आप इस ट्रिक को अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे दूसरी तरफ भी आपको ट्रिक को अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपके पास अच्छा स्कोप हो तो यहाँ पे आप सभी लोग दूर दूर का देख सकते हो, साथ में कोई अगर गाड़ी आई हो तो उनका भी पता आप सभी लोग को यहाँ पे आराम से लग जाएगा, और उनको यार इतना टाइम बहुत टाइम लगेगा आप सभी लोग के पोजिशन को स्पॉट करने में, तो तब तक तो यार आप उनका गेम बजा ही दोगे यार, उनको उड़ा ही दोगे, पेल दोगे मतलब बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप सभी लोग ऐसे ही कर सकते हो गाइज, और बहुत ज़्यादा अच्छे से यार इस वाले ट्रिक का आप फायदा उठा सकते हो। सो यही थी गाइज कुछ 5 ट्रिक्स जो मुझे आप सभी लोग को आज बतानी थी, ये वाली ब्रिज पर गाइज काम कर रही हैं। तो ये वाली ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारी इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इनके बारे में पता चल सके। अगर जिस स्क्वाड के साथ खेल सकते हो उनके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हो तो बहुत ही भला होगा यार हमारे लिए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने यार यहाँ पे कमेंट कर देना कि हम लोग को यार इस वाले वीडियो को बनाना चाहिए, ऐसी बहुत सारे हम लोग घर के बारे में लाने का सोच रहे हैं, तो यार हम लोग फ्यूचर में ज़रूर से अपनी पूरा पोटेंशियल यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे आप सभी लोग के लिए कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लाने की। तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आई एम कुणाल साइनिंग आउट, पीस।